ये दोनों भाई सो रहे हैं, ये सो रहा है इंसान भाई, सो रहे उधर युवान कोने में फूलों के पास, उठ गया था वापस फिर से सो गया है। चलिए देखते चाय बने कि नहीं है। अभी चाय बन रही है, देखिए पराठे बन गए हैं, ये रात के चावल रखे हुए हैं, ना ला चुके हैं, पानी भर रहा है, पानी भर रहा है, कुछ भीड़ू चाय बन ये बन गए पराठे, सब्जी क्या बन रही है आज देखते हैं। चले कि भाजी किचन पे कर लेते हैं, चाय उबलने लग गई है। उद गई चलो मम्मा के पास आ जाओ, नहीं आना है तो मत आओ भैया, बाय बाय। हाय हाय हाय, सुबह सुबह पराठे खाते का कोई है? मम्मा को दाम लड़के सुबह के पराठे खा रही है, ये लड़के कहाँ खा रहा भैया? हाँ वो मित्तु भैया, बाय बाय। खाल मेरे काम की ड्रेस है, इसको पहन के अब मैं जाता हूँ काम करने के लिए, चलिए मैं निकलता हूँ काम करने के लिए। ठेकेदार निकलने वाले हैं वेंट के घर से, उनको फिर 15-20 मिनट लगेंगे, चलिए मैं जाता हूँ कपड़े चेंज कर लेता हूँ, फिर आपको मिलाता हूँ मितान भाई से। अभी वो सो के उठे हैं, दूध वूध पी के थोड़ा रेडी हो जाए फिर आपको उनसे मिला लेता हूँ। क्या खा रहा भैया? ये क्या है? रोटी खा रहा है नंगू भैया, देखिए रोटी खा रहा है बासी वाली। चाचा का बोलो, चाचा मम्मा मम्मा का दो मम्मा मम्मा देख देख तो आज यार भैया नाव नाव करने, ये देखो इधर कहाँ जा रहे भैया? नाव नाव बोल दो, नाव नाव करने जा रहे हम, हाँ सुबह से नाव नाव करेंगे बोल रहा, नाव 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 मम्मी नाव नाव कराओ भैया को, नाव नाव छोटे भैया मतलब भाई नहाने की तैयारी में है तो हम भी निकलते हैं काम करने के लिए, पढ़ाई ही नहीं और काम पर जाने की तैयारी में, थोड़ा टिफिन पैक कर लेता हूँ। ओ नाव नाव करने लड़की टिकू, बाय 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 कर मोड़ नहीं है, बाय बाय कर। आज से 3-4 दिन पहले एक बंदा इस पुलिया पे से नीचे गिर गया था, वो यूपी बिहार का था, वो उसके कान में हेडफोन लगे थे, वो साइड से गाड़ी फिर रुका हुआ था, गाड़ी रुकी थी इसलिए अभी रुकी थी, तो वो पुलिया से नीचे गिर पड़ा था सामने रास्ते के, भाई बच्चा आ रहा है वहाँ पे, तो उसके कमर और हाथ में डैमेज हो चुका है, उसको नेपाल अस्पताल में भर्ती किया था, क्या पता उसको ले गए कि नहीं ले गए। दोस्तों अभी टाइम हो रहा है 4:30, मैं जा रहा हूँ घर, आज माल तो था पर अभी मन नहीं हो रहा करने का तो हम घर जा रहे हैं। ये देखिए यह है लिक्विड का टैंकर, इसमें लिक्विड आता है, ये कपड़े जो दिख रहे हैं ना आपको ये साफ हो धुलते इसके अंदर, इसके बिना कपड़े धुलाई नहीं जाती है, केमिकल होना ज़रूरी है, बिना केमिकल के तो कपड़े की सफाई नहीं होती है, इसमें इतनी ज़्यादा वो होता है कि क्या बोले आपको,
एक दिन दिखाऊंगा मैं आपको कैसे हाथ पैर भिड़ जाते हैं कपड़े में, जब आता है ना माल ये कपड़े सूख रहे हैं। अभी शाम के बज गए हैं 7, मैं घर से निकल गया हूँ बाहर। घर पे तो मैं आ गया था 5:30 बजे, पर मैं घर के अंदर ही था और फिर मैं अब बच्चे घूम रहे थे, मैं देखता हूँ केरी तोड़ रहे हैं, दिखाता हूँ बच्चे कैसे तो केरी तोड़ते हैं। लाइट कहाँ है? लाइट लाइट इसको घर में से लाइट दिख रहा है तो लाइट बता रहा है। कहाँ है लाइट भैया? ये तो लाइट है। चलो ठीक ठीक। बड़ा भैया क्या कर रहा है देखो तो, बड़ा भैया क्या बना रहा है। चलो बड़ा भैया के पास चलते हैं, देखिए क्या मालूम चाकू से क्या बना रहा है। क्या बना रहा है तू? अभी 7 बज गए हैं, फिर भी गर्मी बहुत लग रही है, उसको दिख गई है भूरी, उसको लगा सो के उठा फिर भी मुंह फाड़ रहा है। भूरी कहाँ बैठी भैया? कहाँ है भूरी? भूरी का आवाज दो। कहाँ है भूरी? भूरी कहाँ है? जुकाए। जुकाए? भाभी। भाभी? ये बड़े वाले एग्जाम में स्कूलों का है, ये हमारे इधर भी लगते हैं। ये देखिए इसकी पैकिंग इस प्रकार से करते हैं, पन्नी में पैक करके रखते हैं इसको, पर वो ये वफा गए हैं, बहुत गर्म है अभी क्या मालूम। ये देखिए बहुत सारे जाम लगाए थे, तो जाके इनको फ्रिज में रख देते हैं, इनके पन्नी निकाल निकाल के रखना पड़ेगा फ्रिज में, तो मतलब नहीं आएगा। देखिए एक एक जाम कितने बड़े बड़े, एक एक जाम लग गए भाई 2-2 किलो, 3-3 एक एक किलो का जाम होगा। चलिए आपको मैं काट के दिखाता हूँ ये अंदर जाम निकलता कैसे अंदर से। चाकू कहाँ गया? चाकू ये रहा चाकू, एक प्लेट निकाल लेता हूँ, एक प्लेट निकाल ली। राजा भैया ये ले जाम खाएंगे, जाम जाम पकड़ पकड़ पकड़, ले जल्दी पकड़ते उसको, बहुत आगा हुई है वो, बहुत बहुत मस्ती करता है। जाम खाएंगे, जाम 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 इतना बड़ा कि चाकू से कट भी नहीं रहा है। जाम लगता है वो, ये जाम हमारे इधर भी इसकी फसल लगाई है किसान ने, कल किस दिन ले जाऊंगा वो फसल लाऊंगा। इसका स्वाद मारे मीठा नहीं है, फीका है, मज़ा नहीं आ रहा। पैसे वेस्ट करने चीज़ है, पर गर्मी के दिनों में ऐसे ही मिलेंगे, बारिश के दिन में आपको मीठे मिल सकते हैं। देखिए आज बनी है खिचड़ी, अब इसको निकाल लेते हैं, अब खाना खा लेता हूँ। अभी से मेरे मुंह में पानी आने लग गया है, इतनी खुशबू इतनी अच्छी आ रही कि मैं आपको बता नहीं सकता। खिचड़ी बनी हो, खिचड़ी में घी ना डले ऐसा हो ही नहीं सकता। ये रहा घी, खिचड़ी बिना घी बिना खिचड़ी अधूरी है, खिचड़ी बिना घी अधूरा, दोनों एक जैसे ही है, आप समझ जाओ। मुझको भूख लगी तो बोलते नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने 1 बजे खाना खाया था, 4-5 चम्मच मैंने घी डाल लिया है, जिसको लगेगा वो डालेगा, वो खाएगा। मैं चला हूँ खिचड़ी खाने, आप लोग भी खा लीजिए। चलिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके बाय।